जिस प्रकार की फीडबैक अभी तक मुझे मिल रही है लोगों से भी, वर्कर से भी और अन्य जो तरीके हैं, बहन सुनीता जी बहुत अच्छे मार्जिन से सरसा लोकसभा पहली बार बीजेपी के कमल का फूल खिलेगा और जो हमारा हरियाणा की टीम का, हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सपना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम मोदी जी की झोली में डाल सकें, वो सपना हमें साकार होता नज़र आ रहा है। क्योंकि लंबे समय से, देश की आज़ादी से लेकर आज तक, सरसा लोकसभा में कभी भी कमल का फूल नहीं खिला। ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी टीम की और हमारी नेतृत्व की एक बहुत बड़ी एक इशू था हमारे सामने कि सरसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीते। और इस बार आप सभी के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी की नेतृत्व की लोगों के अंदर एक आस और विश्वास और भरोसा जगा, उसको देखते हुए सरसा लोकसभा सीट इस बार हम 2 से 3 लाख के मार्जिन से हम जीत रहे हैं। देखिए, मैं कुरुक्षेत्रा लोकसभा में भाई नायब सैनी जी के साथ पिछले 6 तारीख से लगातार हूँ और जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव में प्रत्याशी छांटने के लिए अन्य दलों को पसीने बहाने पड़े और स्थिति ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने तो अम्बाड़ा जिला के अंदर एमसी को एमपी लड़ा दिया, जो एमसी के कैंडिडेट था उसको एमपी टिकट दिया, और जब जो जच्चा बच्चा पार्टी है अब उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो फिर दोनों भाई खुद खड़े हो गए। और योजना तो ये थी कि तीसरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी वो अपनी माता श्रीमती नैना चौटाला जी को खड़ा करना चाहते थे। तो आज 10 की 10 लोकसभा सीटों में, वैसे तो पूरे देश के अंदर ही परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर कोई भी पार्टी किसी भी सीट पर गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल मजबूरी में चुनाव लड़े जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि जब ये लोग सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस थी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल थी, चाहे और पार्टियां थी, कभी भी इन्होंने जनता के हित के लिए काम नहीं किए। क्या टक्कर दिया हमें जींद में लोगों ने, जो जींद इनका पिछले लंबे समय से परंपरागत था और जितना दुकान में सौदा था वो जींद में देख ले लोगों ने, जींद के अंदर जितना जो कुछ सौदा था वो बाहर आ गया, इसके अलावा जींद के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, दिग्विजय और दुष्यंत दोनों भाई तीसरे नंबर पर भी आ जाएँ हिसार और सोनीपत में तो हम आपको राजनीति में बात कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, जो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी ठीक कह रहे हैं, परंतु टक्कर में वो किस स्थान पर होंगे ये तो चेक कर लो ना, टक्कर में मार्जिन कितना होगा, किसी ना किसी तो सेकंड थर्ड नंबर पे आने हैं ना, परंतु मार्जिन कितना होगा, कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज ही अरविंद केजरीवाल को उठाए फिर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में अपना दुकानदारी खराब हुई पड़ी उसकी, वो मारे हो रहे क्या करेगा। 8 तारीख को मोदी जी आपके फतेहाबाद में आ रहे हैं, कुरुक्षेत्रा में आ रहे हैं, अमित शाह जी के भी लगातार कार्यक्रम तय हुए हैं, उसके साथ नितिन गडकरी जी हमारे परसों चंडीगढ़ में थे, और इसी प्रकार से जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं वो लगातार हरियाणा के दौरे पे हैं, प्रवास में हैं। और मैं तो आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद फिर बचता क्या, वाराणसी छोड़ के भाग गए, अमेठी छोड़ के भाग गए और 23 तारीख के बाद देश छोड़ के भाग जाएंगे। पहले तो आप तंवर से ये पूछ लो कि वो अपने आप को कहाँ मोदी जी के लेवल पे मान रहा है, अभी वो जितेंद्र जी से निपट ले पहले, जितेंद्र जी और सुनीता जी से निपटे पहले। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह बड़बोला व्यक्ति सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा, सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा, और आप देख लेना इसके बाद इसकी हरियाणा में एंट्री भी नहीं होगी। जी आएगा तो आना, तो ना तो वायनाड भी गया था, अमेठी भी गया था, क्या फर्क पड़ गया, सिर्फ वहाँ एक ही बात कह रहे हैं, काम तो जी वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं और क्या होने का मतलब। और जिस प्रकार परिस्थितियाँ आज पूरे देश के अंदर बदली है,
तो अब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस नाम का शायद ही कोई परिंदा मिलेगा। और चुनाव के बाद जो मैंने पहले आपको बहुत दिन पहले सरसा में कहा था कि इस परिवार की फूट आप लोगों को सड़कों पर नजर आएगी, कोई झूठ तो नहीं इस बात में। अब लोकसभा चुनाव के बाद बापू बेटा का उनका बिस्तरा गोल हो जाएगा, वो भी नई पार्टी बनाएंगे दोनों बाप बेटा, कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इतिहास है कांग्रेस का, जो मुख्यमंत्री बना उसने अलग राजनीतिक दल बनाया। 13 तारीख के बाद नया राजनीतिक दल भूपेंद्र हुड्डा उसका लड़का बनाएंगे, क्योंकि उनको पता कांग्रेस हमारा भविष्य नहीं है, जमान जब तो कांग्रेस का नाम पर उनकी।